हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी। देख सकते हैं, आधा किलो मैंने ली है अरबी, इसे हम अलूम भी बोलते हैं। और इनको मैंने एकदम ताज़ा ताज़ा नहीं बनाया, मैंने 2 दिन के लिए इसको रख दिया ताकि ये जो ऊपर का इसका छिलका है ये एलर्जी करता है, तो मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दिया, बाहर फ्रिज में नहीं रखा। उससे क्या होता है, ये जो इसका छिलका जब हम उतारते हैं तो बहुत आसानी से उतर जाते हैं। मुझे इससे एलर्जी है थोड़ा, तो मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया और इसको अप्लाई कर लिया हाथों पर। और अब हम, कई लोग इसको बॉयल कर कर भी बनाते हैं, वो अलग तरीका है, लेकिन जिस तरीके से आज मैं बना रही हूँ मैं आपको वही दिखा रही हूँ। और अब हम देखेंगे, ये देखो, इसको अगर हम बाहर रख देते ना फ्रिज में रखेंगे तो थोड़ा स्टिकी हो जाती, चिप चिप करती है और छिलका भी नहीं उतरता। तो अब देखिए आप कितना आसानी से, ये जो मैंने बाहर रखी हुई थी 2 दिन, तो ये देखिए एकदम प्याज के छिलके की तरह से ये फटाफट उतर रहा है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी इसलिए कि अगर आपको भी ऐसी कोई एलर्जी वाली प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से इसको, अरबी को थोड़ा 2 दिन के लिए ऐसे बाहर फ्रिज से रखिए और उसको सूखने दीजिए। और ये देखिए कितना आसानी से और कितनी जल्दी ये छिलका इसका उतर जाता है। इस तरह से हम सारी भिंडी, अपना सॉरी, अरबी काट लेंगे ऐसे लंबी लंबी। इसको मैं वॉश भी करूंगी अभी, ये मैं आपको सिर्फ दिखा रही थी अभी कटिंग करके। फ्रेंड्स, ये मैंने पूरी अरबी जो है फिंगर चिप्स की शेप में कट कर ली है, पतली पतली लंबी लंबी, आप देख सकते हो। और मैंने इसको वॉश कर लिया है अच्छे से, मैंने जो अरबी को वॉश कर लिया था कट करके, अब मैं इसको एक कपड़े पे इस तरह से फैला दूंगी, क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई करना है। अगर ये गीली रहेंगी तो छींटे आएंगे और मुश्किल से तल पाएंगे हम इनको, तो इसलिए मैं इसको ऐसे थोड़ा सा इसके अंदर से प्रेस करके सारा पानी जो है वो निकल जाएगा, कपड़ा सारा पानी सोख लेगा। देखिए तेल के छींटे हमारे को काफी खराब कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको पहले ही इस तरह से सुखा लेती हूँ। क्या, हमने गैस पर रख दी है कढ़ाई और अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल। एक ग्राइंडिंग जार में मैंने ले लिया है प्याज, लहसुन और अदरक, अब हम इनको पीस लेंगे। यहाँ हमारा जो ऑयल है ये देखते हैं ऑलमोस्ट गर्म होना शुरू हो गया है, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा अरबी को डालते हुए फ्राई कर लेंगे। देखिए हल्दी हमारी जो है थोड़ा हल्की हल्की ब्राउन होनी शुरू हो गई है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। और इस तरह से हम सारी हल्दी फ्राई कर लेंगे। ये सारी अरबी जो रहते हैं सबने फ्राई करनी है। देख सकते हैं आप, मैंने इसी कढ़ाई में थोड़ा तेल कम कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे जीरा और साथ ही डाल देंगे प्याज। प्याज हमारा ऑलमोस्ट भून चुका है, और अब हम साथ ही डाल देंगे इसमें ये 4 बड़े टमाटर मैंने पीस लिए थे। टमाटो थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि ग्रेवी भी हमें इसकी गाढ़ी चाहिए, थिक चाहिए अरबी में, तो इसलिए मैंने इसमें 4 बड़े टमाटर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, सॉल्ट छोटा 1 चम्मच, गरम मसाला,
सूखा धनिया, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, और आज मैं इसमें यूज कर रही हूँ ये देगी मिर्च, जिससे कलर बड़ा अच्छा आता है। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मल घर में पीसती थी मिर्ची, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज करा है। इसे कहते हैं कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी ये देखिए तड़के का कलर जो है काफी अच्छा आ गया। तड़का हमारा काफी अच्छे से रेडी हो चुका है, और अब हम इसमें डाल देंगे ये अरबी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, मैंने थोड़ा सा वाटर ऐड कर लिया है इसके अंदर, और अब हम इसको ढककर पकाएंगे। फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं कि हमारी सब्जी कितनी रेडी हुई है। ऑलमोस्ट ये भी रेडी है। अब बिना ढके मैं इसको 1 मिनट के लिए इसी तरह पकाऊंगी। ये देखिए कितना सुंदर कलर है इसका, और एकदम से ये पककर पूरी रेडी होगी। और जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी उतनी ही इसमें है। थोड़ा सा मैं इसको थिक ही रखने वाली हूँ, और ये हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। गैस कर देंगे ऑफ, और अब हम कर लेंगे इसकी प्लेटिंग। और ये रही हमारी अरबी की सब्जी। कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।